विरोध के बाद शरद यादव ने अपने बयान पर सफाई दी है। कहा है, मेरे कहने का गलत मतलब निकाला गया, बेटी की ही तरह वोट भी प्रिय होना चाहिए। शरद यादव ने कहा था, बेटी की इज्जत गई तो सिर्फ गांव की इज्जत जाती है, वोट बिक गया तो देश की इज्जत जाती है। शरद यादव के बयान पर रीता बहुगुणा जोशी ने एतराज जताया, कहा ऐसे बयान से महिलाओं का अपमान होता है। शरद यादव के बयान के बचाव में जेडीयू आई है। केसी त्यागी ने कहा, गलत तरीके से शरद यादव के बयान को लिया गया। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने शरद यादव के बयान को नहीं बताया गलत, कहा ये उनका बोलने का अंदाज है। शरद यादव के बयान पर सामाजिक कार्यकर्ता सुहासिनी अली ने एतराज जताया, कहा वोट को महिला की इज्जत से जोड़ने की क्या जरूरत। शरद यादव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया, बेटियों पर बयान को लेकर जवाब मांगा। सामाजिक कार्यकर्ता एनी राजा ने शरद यादव को बताया महिला विरोधी, कहा पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं शरद यादव। सामाजिक कार्यकर्ता हिना जहीर ने कहा, शरद यादव के खिलाफ चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता रूबी मुखर्जी ने शरद यादव के बयान को शर्मनाक बताया, कहा ये देश की ही नहीं पूरे दुनिया की बेटियों का अपमान। महिला कार्यकर्ता निर्मला सामंत ने शरद यादव के बयान पर एतराज जताया, कहा ऐसा कहना शरद यादव को शोभा नहीं देता। बीजेपी नेता विनय कटियार का बेतुका बयान, कहा प्रियंका वाड्रा से ज्यादा सुंदर चेहरे बीजेपी में। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बीजेपी के चाल चरित्र चेहरे पर सवाल उठाए, कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं कटियार। विनय कटियार के बयान पर कांग्रेस ने एतराज जताया, वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा माफी मांगे विनय कटियार, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सरकार बनी तो अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई, पार्टी नेता राजेंद्र चौधरी ने सांप्रदायिक बयानबाजी का आरोप लगाया। बीजेपी नेता विनय कटियार ने किया दावा, अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के पोस्टर पर काले पोती गए, टिकट न मिलने से नाराज हुए बीजेपी कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हिमस्खलन से सेना का एक जवान शहीद, 115 टेरिटोरियल आर्मी कैंप के पास एवलांच आया। जलीकट्टू के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, पेटा और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने तमिलनाडु विधानसभा में पास हुए जलीकट्टू के लिए नए एक्ट को चुनौती दी, सोमवार को होगी सुनवाई। मेडिकल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लागू होने से महंगी हो सकती हैं दवाएं, एसोचैम ने एक स्टडी में यह दावा किया। दिल्ली में पीएम से मिले अबू धाबी के प्रिंस, दोनों देशों के बीच 14 समझौतों पर सिग्नेचर, मोदी ने कहा भारत का सच्चा दोस्त है अबू धाबी। अबू धाबी और भारत के बीच आसान होगा अब कारोबार, समझौते में व्यापार, रक्षा, साइबर स्पेस जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लखीमपुर की रैली में अखिलेश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा लाइन में खड़े होकर तकलीफ दिन वाले दिन भी देख लिए, फिर भी अच्छे दिन नहीं आए। अखिलेश यादव ने कहा नोटबंदी की वजह से कई लोगों की जान चली गई, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ। मोदी सरकार पर अखिलेश का आरोप, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जवानों की जान चली गई लेकिन शहीद के परिवारों को केंद्र से मदद नहीं मिली। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी आज बीएसपी में शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक 3 सीटें बीएसपी दे सकती है। यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी जेडीयू, पटना में जेडीयू कोर कमेटी की बैठक में फैसला, किसी पार्टी को समर्थन देने के लिए भी जेडीयू का इनकार। बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोधियों पर वार, समाजवादी पार्टी को डूबता हुआ और कांग्रेस को डूबा हुआ जहाज बताया। बीजेपी ने बीएसपी से आए आर के चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया है, पडरौना से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। आजम खान ने रामपुर से भरा नामांकन, केंद्र सरकार को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो आरक्षण खत्म करके दिखाए। चुनाव प्रचार के दौरान तैश में आए समाजवादी के उम्मीदवार हाजी यूसुफ अंसारी, मुरादाबाद में एसपी सिटी से तीखी नोकझोंक। कानपुर में फ्लैग मार्च के दौरान सीआरपीएफ की 2 गाड़ियों में टक्कर, 7 महिला जवान घायल, 1 की हालत गंभीर। पीलीभीत में एक्टर राजपाल यादव के छोटे भाई की गाड़ी जब्त हुई, चुनाव सामग्री पकड़ी गई, गाड़ी में सवार सभी लोग भाग गए। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन के बाद भी मतभेद दिखा, अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट पर दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी में घमासान, मंत्री वसीम अहमद का टिकट कटने से समर्थकों में नाराजगी, प्रदर्शन किया। यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध, टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने पुतला फूंका, बीजेपी को हराने की धमकी दी। कौशाम्बी की 4 विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पर एफआईआर दर्ज हुई, आतिशबाजी और जुलूस निकालने पर आचार संहिता उल्लंघन का केस सामने आया। हैदराबाद का वीडियो, एक महिला को 100 मीटर तक घसीट कर लेकर ले जाता दिखा ऑटो वाला, पुलिस कर रही है तलाश।
गोवा के केस्ता जेल में 45 कैदियों का जेल कर्मियों पर हमला, जेल से फरार होने की नाकाम कोशिश। कैदियों के हमले में जेलर गंभीर रूप से घायल, गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती, जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा। काला हिरण शिकार मामले में छूट मिली है जोधपुर कोर्ट में, अब 27 जनवरी को बयान दर्ज होंगे। जोधपुर सीजेएम कोर्ट में सैफ अली खान, नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे को भी बयान दर्ज करवाने हैं 1998 का मामला। ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास सब्जी मंडी में आग लग गई, करीब 300 दुकानें जलकर खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की आशंका के चलते जम्मू में हाई अलर्ट, बॉर्डर से लेकर एलओसी तक सेना और बीएसएफ तैनात। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण के गुरदास कामत को चेतावनी, संजय निरुपम से मतभेद को सोशल मीडिया पर साझा किया था। नासिक महानगर पालिका चुनाव के लिए एमएनएस ने संभावित उम्मीदवारों का टेस्ट लेना शुरू कर दिया, पार्टी के करीब 24 नगर सेवक थाम चुके हैं दूसरी पार्टियों का हाथ। मुंबई के पास डोबीवली में साउथ इंडियन कॉलेज के सामने एक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या, किसी लड़की को लेकर विवाद हुआ था। महाराष्ट्र के परभणी में मामूली से झगड़े में 17 साल के युवक की जान चली गई, चाय पीने के दौरान विवाद हुआ। यूपी के गाजियाबाद में कपड़ों के शोरूम में चोरी करने के लिए आई दो महिलाएं रंगे हाथों धरी गईं, एक गिरफ्तार एक फरार। हरियाणा के हिसार में सीनियर एडवोकेट सुभाष गुप्ता की सरेआम हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से घायल कर दिया। बिहार के नालंदा में नाबालिग छात्रा को अगवा करने के मामले में कोचिंग सेंटर का टीचर हुआ गिरफ्तार, टीचर की सफाई, अपनी मर्जी से आई थी लड़की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में नाबालिग की हत्या करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ, पुलिस के मुताबिक लड़की से युवक के अवैध संबंध थे। यूपी के बागपत में पेट्रोल पंप पर लूटपाट की गई, हथियार लहराते हुए बदमाश फरार हो गए। एमपी पुलिस ने कई सालों से चकमा दे रहे डकैत बाबू गुर्जर को गिरफ्तार किया, हत्या फिरौती डकैती के कई केस दर्ज। पंजाब के नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड कुलप्रीत देओल को कोर्ट ने 28 जनवरी तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया, एसआईटी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। रायपुर में बीजेपी पार्षद नेता विनोद अग्रवाल के प्रतिनिधि ने पंप ऑपरेटर को जूतों से पीटा, पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। बिहार के सासाराम में शराब बेचने को लेकर दो गांव के लोगों में मारपीट, पथराव में स्कूल जा रही छह छात्राएं घायल हो गईं। राजस्थान के धौलपुर में पूर्व पंच पर बंधक और रेप का आरोप, महिला जनप्रतिनिधि ने आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नशे में धुत व्यक्ति ने अपनी मां की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में लूट की योजना बना रहे चार बदमाश गिरफ्तार, कई वारदातों को पहले अंजाम दे चुके हैं। एमपी के रतलाम में चोरों ने मोबाइल शॉप पर हाथ साफ कर दिया, साथ ही कीटनाशक की एक दुकान में भी चोरी की। राजस्थान के अलवर में बाल सुधार गृह से 5 बाल अपराधी फरार हो गए, पुलिस ने एक को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में मरीजों की जांच के नाम पर खिलवाड़, चाय पीने वाले प्लास्टिक के ग्लास में इकट्ठे किए जा रहे हैं यूरिन सैंपल। यूपी के फतेहपुर में टीचर ने स्कूली बच्चों को की डंडों से पिटाई कर दी, बच्चों के परिवार वालों ने हंगामा किया, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में एक रिटायर्ड डीएसपी को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटकना पड़ रहा है, एटीएम से 40,000 रुपए हुए थे चोरी। 95 साल की जल देवी यूपी चुनाव में सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार, व्हील चेयर पर पहुंची आगरा कलेक्ट्रेट, खैरागढ़ सीट से भरा निर्दलीय पर्चा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त। श्रीनगर में बर्फबारी जारी है, घाटी का बाकी दुनिया से संपर्क टूटा, प्रशासन ने गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी। बाजार में शानदार तेजी, निफ्टी 8500 के ऊपर निकला, सेंसेक्स भी 150 अंक चढ़ा, मेटल और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। उद्योगपति विजय माल्या ने आईडीबीआई बैंक से मिले कर्ज में से करीब 260 करोड़ रुपए निजी इस्तेमाल में खर्च किए, सीबीआई की चार्जशीट में खुलासा। विजय माल्या केस में गिरफ्तार सभी आरोपी 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में, मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात, अमेरिका आने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने पर चर्चा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत को अपना सच्चा दोस्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मानता है अमेरिका। मोदी 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ट्रंप ने जिनसे राष्ट्रपति बनने के बाद फोन पर बात की, बीती रात भारतीय समय के मुताबिक 11:30 बजे चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस से ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने के लिए न्योता मिला, 28 फरवरी को करेंगे संबोधित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कीस्टोन एक्सल और साथ ही डकोटा एक्सेस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, 28,000 लोगों को इससे नौकरी मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्ड, जनरल मोटर्स और फिएट समेत कई ऑटोमेकर कंपनीज के सीईओस के साथ मुलाकात की, नए प्लांट अमेरिका में लगाने की अपील भी की। रूस के लड़ाकू विमानों में सीरिया के डेरल जोर में आईएसएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया, आईएसएस के हथियार रखे डिपो भी बर्बाद हुए।
इराक के पूर्वी मोसुल में आईएसएस के खदेड़े जाने के बाद खोले गए दोबारा से स्कूल, बच्चे और टीचर खुश। ब्राजील की जेल में आग लगाकर करीब 200 कैदी भाग गए, 79 कैदियों को वापस से पकड़ लिया गया। मध्य इटली में एक मेडिकल इमरजेंसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ, सभी 6 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के टीवी चैनल पीटीवी ने यौन शोषण का आरोप लगाने वाली दो एंकर्स को नौकरी से निकाल दिया। दोनों ने डायरेक्टर करंट अफेयर्स आगा मसूद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उत्तरी चिली में भारी बारिश के बाद से आई बाढ़ से लोग परेशान हैं। अटाकामा इलाके में 350 लोगों से संपर्क टूट गया है। 26 फरवरी को होने वाले ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन का ऐलान। रोमांटिक म्यूजिकल ला ला लैंड को सबसे ज्यादा 14 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया। T20 सीरीज से पहले भारत और इंग्लैंड की टीमों ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम पर प्रैक्टिस की। कल खेला जाएगा पहला T20। विराट कोहली के मुरीद हुए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक और साथी शुएब अख्तर ने टीवी शो के दौरान विराट की जमकर तारीफ की। बांग्लादेशी क्रिकेटर अराफात ने सोशल मीडिया पर अपलोड की गर्लफ्रेंड की आपत्तिजनक पिक्चर, पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेष भारत ने जीता ईरानी का, प्रद्युमन साहा और चेतेश्वर पुजारा रहे जीत के हीरो, गुजरात को 6 विकेट से मात दी। लंदन ओलंपिक स्टेडियम में हो सकते हैं 2019 वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच। आईसीसी ने स्टेडियम की पिच को पाया नियमों के मुताबिक। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगे दो भारतीय, अपने जोड़ीदारों के साथ सानिया और बोपन्ना की टक्कर होगी। 14 सालों बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में वीनस विलियम्स पहुंची, सेमीफाइनल में अपने ही देश की कोको से मुकाबला। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 का दूसरा ट्रेलर आउट हुआ, फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल की स्क्रीनिंग पर ट्विंकल के साथ अक्षय पहुंचे, अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ की। ट्विंकल ने काबिल की तारीफ की, अक्षय ने भी ट्वीट कर ऋतिक को बधाई दी। एक्टर पुलकित सम्राट ने कोर्ट के बाहर मीडिया के साथ बदसलूकी की, पुलकित अपने और श्वेता रोहिरा के तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे थे। सैफ और उलिया वंतूर के साथ सलमान की स्पेशल डिनर पार्टी, फिल्म ट्यूबलाइट का चाइल्ड आर्टिस्ट मैटन रे भी मौजूद था। बिग बॉस के सेट पर सलमान खान का भांजा आहिल पहुंचा, सलमान ने आहिल के साथ कई पिक्चर्स क्लिक करवाए। प्रियंका चोपड़ा के साथ तुलना पर दीपिका पादुकोण बोली, दोनों की तुलना करना गलत है, करियर को लेकर उनकी उम्मीदें प्रियंका से अलग।